So after the great grand welcome for all the delegates of IWA Miss Mrs. India from different parts of the country and then taking them to the Juhu beach, now comes our main theme for which this event is being organized, that is for awareness of breast and cervix cancer. So today we are taking them to Tata Memorial where these women, where these all the girls will be groomed and trained how they can create awareness in their cities. मतलब अपने शहरों में जाकर इनका काम होगा कि awareness create करें cervix cancer और breast cancer के symptoms अपने आसपास की औरतों को बताएं और उन्हें इस जानलेवा बीमारी से बचा सके. तो चलिए चलते हैं टाटा मेमोरियल. What you are seeing today around the world is all these big catastrophes that are happening. They are all a result of this. So I don't want to speak more about it, but I really suggest. This is a very important topic. Very important topic for y'all. That is why I am speaking about it. Even on the international pageant, if you get, these are the questions that are generally asked. So each of you, I am not trying to teach you. Please read up about global warming. Yeah, you are going to be asked that question, every one of you. One thing or the other around this subject.
Ladies and gentlemen, I welcome you all to IVA Miss and Mrs. 2019. So a big round of applause for every one of them. श्री अनूप जालोटा जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। चौधरी का चांद याफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। क्या बात है, चौधरी का चांद। बहुत बहुत मुबारक। So ladies and gentlemen, this is IVA Miss and Mrs. 2019, the fourth year, and we shall begin now the traditional round.
हिंदुस्तान है, भारत कहो इंडिया कहो, ये अपनी जान है। और विविधता में होने के बावजूद इतनी एकता, यही अपनी पहचान है। तो दोस्तों एक बार हो जाए जोरदार आवाज में भारत माता की, आवाज नहीं आई भारत माता की ये बात। तो दलजीत इसके बारे में क्या कहना? हम सब वेस्टर्न कल्चर को अपनी इंडिया में ला रहे हैं और अपना जो ट्राइबल रिच कल्चर है हम उसे भूल रहे हैं। तो मैं अपने पैजेंट्स में अपना रिच कल्चर दिखाने के लिए इन सब कंटेस्टेंट्स को बोलती हूँ वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करें और अपने उस ट्राइबल जो रिचनेस है वो लोगों तक पहुँचाएं। दीज गर्ल्स आर फ्रॉम 30 सिटीज ऑफ इंडिया एंड दे आर फ्रॉम स्मॉल सिटीज, दे आर नॉट फ्रॉम मेट्रो सिटीज। दे आर रॉ, बिल्कुल रॉ, जो कभी घर से निकले नहीं and very protected by their families. Their husbands will never allow them to come out of the house. So when I went in every cities and asked them to send, so here I'm so happy to see them all groomed. They are not professional at all. They are totally raw girls and what to say. The dresses are being designed by themselves. And ladies and gentlemen, aren't they gorgeous? Aren't they? So ek baar zordaar taaliyan ho jaye. तो ये सारी हमारी जो कंटेस्टेंट्स है यहाँ पर आपके दिलों को जीतने आई है। लेकिन लास्ट ईयर जो हमारी कंटेस्टेंट्स थी उन्होंने आप सभी के दिलों को जीता था और हमारा अगला कार्यक्रम वो ही यहाँ पर लेकर आने वाली है। सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन ऑफ यू कंटेस्टेंट्स। एक स्पेसिफिक टारगेटेड एक हमने कॉज रखा है जहाँ पर लेडीज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं या जो कैंसर की आपने बात की, अक्सर इन्होंने शुरू में हमें बताया था कि लोग शुरू में उस पर ध्यान नहीं देते हैं और जब वो नेक्स्ट स्टेज पर चला जाता है तब उसके बाद ध्यान देने के बाद में इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हम अपने आसपास अपनी माँ बहन बेटी और सभी को इसके बारे में आगाह कर सकें, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, तो डेफिनेटली हम इस आने वाली मुसीबत से उनको बचा सकते हैं। क्योंकि वो हमारा घर चलाती है, हमारा घर संवारती है, हमारे घर को घर बनाती है। तो डेफिनेटली इस कॉज के लिए मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जितने मर्द बैठे हुए हैं वो इस पर ख़ास तौर से ध्यान दें और ख़ास तौर से अपने घर की महिलाओं को एजुकेट करें। क्योंकि हम यहाँ पर जिन कंटेस्टेंट्स को लाए हैं वो तो ये काम करने ही वाली हैं, लेकिन मर्द की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है क्योंकि वो आप पर डिपेंडेंट हैं किसी तरह से। वैसे तो आजकल कहा गया है कि औरत और मर्द साथ में काम करते हैं, डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों के लिए अक्सर औरतें आप पर डिपेंडेंट होती हैं। एंड यू आर द केयर टेकर्स, सो यू मस्ट डू इट। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। Survivor of cancer, breast cancer. I'm wearing wig. Wearing wig is not a simple thing. So what? I'm wearing this. Patient of cervical cancer. So what if I'm wearing this? I'm a big fighter. I'm a daughter of RB Air Force. So I'm a fighter. I want every should be like a good and big fighter. Thank you so much. Create awareness, breast and cervix cancer. Prevention is better than cure. Thank you. With regular checkup, we can fight cancer. To be a victim or a survivor of cancer is your mindset. It's your choice. Choose wisely, women. Thank you. So, we can fight. We can fight cancer. We would like to invite Deepak ji, please join us on stage. हमारे बीच बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस नीलू कोहली जी।
you, Diljit, for having me here. And I wish you best for all your Aivas. And I have told you I will stand by you unconditionally. And you have my word for it. Thank you. And it's a very nice cause. Cause bahut badhiya hai. And especially aajkal, you know, how with the cancer rate rising. So I think the thought behind this is very good. And God bless you for that. God bless all the contestants. So have a great evening. Rakesh ji. Sir said a very wonderful thing. It's a dreaded disease. Parmatma dushman ko bhi cancer na ho. Daljeet is doing a fantastic job. I mean, it needs Baba's blessings. Daljeet, you know, my friend, one of my best classmates is a cancer specialist. He had the honor of working with Dr. Advani here in Tata Memorial. I was discussing with him about why cancer. He said, dekho, Hindustan mein log laparwah hai. People are careless. Cancer, we are talking about prevention, cure. But Daljeet, education is very important. 5,000 ka test, agar 6 mahine ek bar karega, hum sab log, whether breast cancer or Parmatma kare, koi bhi ho, so it can never come to us. So important thing is educating ladies and gentlemen, everybody across the globe, please conduct a test which costs 5,000-7,000 rupees and you will be away from this dreaded disease. We all should work together to try and help people not get into this disease. God bless you. Really proud of you. Sain, bless you. Thank you. I like it. Very much said. For coming, Rakesh. कमल बेचारे हमारे जूरी मेंबर्स कब से बैठे हैं ओके आना चाहेंगे रैंप वॉक जूरी मेंबर की रैंप वॉक तो प्लीज कम ऑन द स्टेज उस्मान खान जी सर प्राजी कुछ तो हो जाए गुड इवनिंग सबसे पहले मैं दलजीत जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ एक खूबसूरत जो काम इन्होंने शुरू किया हम लोग शुरू से इनके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत प्राउडली मुझे कहना पड़ता है कि ये अकेले इतना सारा काम करते हैं हमें देखने में बहुत इजी लगता है हम आते हैं ये इतना अच्छा इवेंट देखते हैं लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत है कितना रात दिन एक करते हैं वो मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियाँ दलजीत जी के लिए अरे हमारे बीच एक और शख्स है बनवारी लाल जी बनवारी लाल जी बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं पहले हम सुनेंगे अरविंदर जी की खूबसूरत आवाज हुस्न ऐसा कि मौसम को गुलाबी कर दे हुस्न यहाँ आज हुस्न ही हुस्न नजर आ रहा है
हुस्न ऐसा कि मौसम को गुलाबी कर दे, जिस तरफ जाए वहाँ खाना खराबी कर दे, मेरे महबूब की आँखों में है जादू ऐसा, प्यार से देखे तो दुनिया को शराबी कर दे। ओहो, जैसा कि मेरे ज़्यादातर गाने शराब पे हैं, सब जानते हैं, और मैं पीता नहीं हूँ। ये बात कोई नहीं जानता है। ये बात कम लोग जानते हैं। मैं नहीं पीता, इनको भी आज ही पता चला। लेकिन नहीं, मैं पीता हूँ आँखों से, इसलिए पता नहीं चलता। शराब पीने से कुछ भी बुरा नहीं होता, शराब जो नहीं पीता खुदा नहीं होता। शराब पीने से कुछ भी बुरा नहीं होता, शराब जो नहीं पीता खुदा नहीं होता। एक ही जगह मर के जाते हैं रिंद और जाहिद, वहाँ मुजरिम तो कोई देवता नहीं होता। इसलिए कहता हूँ कि आपकी तालियों के साथ 1 2 3 4, जब तक है जी जी भर के पी, जब तक है जी जी भर के पी, जब ना रहेगा जी तो कौन कहेगा पी, जब तक है जी जी भर के पी, जब तक है जी जी भर के पी, जब ना रहेगा जी तो कौन कहेगा पी। ये भी पानी है इसे क्यों शराब कहते हैं, ये भी पानी है इसे क्यों शराब कहते हैं, कितनी अच्छी है इसे क्यों खराब कहते हैं, कितनी अच्छी है इसे क्यों खराब कहते हैं। पीने वाले अगर कहें तो मान भी जाएं, पीने वाले अगर कहें तो मान भी जाएं, वो जो पीते नहीं वही खराब कहते हैं, वो जो पीते नहीं वही खराब कहते हैं। ये मद भरी महंगी बड़ी, ये मद भरी महंगी बड़ी, छोड़ी जो एक बूंद भी तो कौन कहेगा, तो कौन कहेगा पी, तो कौन कहेगा पी। थैंक यू। बात है, जोरदार ताली हो जाए प्लीज। अरविंद जी का कहना है जो शराब नहीं पीता वो नहीं जीता, तो आप कैसे जीते हो फिर नहीं पिए बिना? ओ, इनकी आंखों से पीते हैं। शराब है। हम आपके हाथों से अपने जूरी मेंबर का सम्मान करना चाहेंगे। ही इज फ्रॉम यूनाइटेड नेशन, ये पीस एम्बेसडर्स बनाते हैं और इन्होंने आज डॉक्टरेट दिए हैं और पीस एम्बेसडर्स भी बनाए हैं। तो इट इज़ वेरी लकी टू हैव अ फेलिसिटेशन डन बाय आवर ग्रेट सर, सर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। थैंक यू। Star of Bollywood, Satish Kaul. Please bring it here. So our next act, ladies and gentlemen, in this evening is about global warming, being presented by some of our queens from the past years. Thank you so much. We'll be right back.
was about global warming, and I'm sure that message has reached you that we have to do something about the trees. We have to plant trees, we have to save the trees which are already existing. And this is one cause I support from the bottom of my heart, because I feel that we have to save this planet for the future of our kids. Kamal, hum kuch selfish nahi ho rahe? Mera to pata nahi. Tumhari tum jano. Because hum itne zyada excited ho gaye, kitne logo ko hum bhool nahi rahe. Dosto, ye jo makeup kiya hai, ye jo ladkiyan khoobsurat lag rahi hain, isme kiska haath hai? Jevin Thakre ji ka. The celebrity makeup artist, Jevin sir. Jordar taliyan please unke liye. Airingbaum photography. That's the name, ladies and gentlemen. Ek baar jordar taliyan ho jaye. Salon partner, brilliant. IBG, Chamber of Commerce, Indian Business Group. And apne DSA Bollywood channel. DSA Bollywood channel, the niche fashion arena, Nav Bharat Navrash, the Bombay Tryon. And SOS Nightlife and Stella. Amar Cine Productions, Stella Professional, Kera. And Manipur Tourism Development Society. Costumes by Three Mantra and jewelry by Dhanashree and supported by Film Today Magazine. So those are our sponsors, and any program cannot happen without them. So we'd like to thank them all that you have supported us. It's a noble cause, and you have done a noble gesture by supporting us. So presenting to you, ladies and gentlemen, the last round, which is called the Gown Round. We'll be right back.
been waiting for. I have the list of our finalists from all categories. From Mrs. Classic category, our finalist number one is Garima. Garima, finalist top five. And the next in the Mrs. Classic category is Harpreet. Harpreet Kaur. ये जो आप ऑलरेडी ताज देख रहे हैं इनके सर पे, ये हम लोगों ने कल इन्हें फेलिसिटेट किया था इनके टैलेंट्स को देखकर. So they are all winners from our side. So our next finalist in the category of Mrs. Classic is Daisy. In the Mrs. Classic category, our next contestant is Manisha. Lovely ladies all present here. And in the Mrs. Classic category, our last finalist, but not the least, the lady in the red gorgeous gown, Satwinder. So these are five finalists in the Mrs. Classic category. Ladies and gentlemen, ek baar zordaar taaliyan ho jaye inke liye. And moving to the next category, which is the Mrs. category, and in no particular order, I would like to tell you the first finalist, and that's Saloni. Our next finalist, ladies and gentlemen, Victoria Harapriya Lalita. And then the last finalist in the Mrs. category, Manjula. Ladies and gentlemen, in Mrs. category, this is India Iowa 2019. These are the five finalists. The first finalist in the Miss category, Karishma. Next contestant is Simran from the Miss category. Simran. Our next contestant, the next finalist is Jessica. So in the Miss category, we already have three of the contestants. And the fourth one is Suchita. Allow me to present to you Megha. Megha Joshi. Megha Joshi can be heard here on stage. So ladies and gentlemen, three categories, Mrs. Classic, Mrs. and Miss. You have all the 15 finalists right here on stage. And amongst them is your winner for tonight. So keep your breath holding. Our jury members, your results has been announced. Please all the jury members for the question answer round. So first I would like to call on all the five contestants of Mrs. Classic. Please join us here. Okay, so we'll start from the right. Ma'am, it will be your question first. Number 14, aapke liye mera prashn hai. Shishe ke saamne aap khadi hain aur aapki umr hai 15 saal. Us 15 saal ki ladki se aap kya kehna chahenge? Thank you for your question, ma'am. Ma'am, agar main shishe ke saamne khadi hoon और मेरी उम्र 15 साल है तो मैं उसे यही कहना चाहूँगी कि लव योर लाइफ एंड लाइफ विल लव यू बैक. अगर आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करेंगे तो ज़िंदगी आपसे प्यार करेगी, और अगर आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करेंगे तो आप वो हर काम करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है और जिससे आपकी अच्छाई होगी. आप हेल्दी रहोगे, आप सही रहोगे, तो आप दूसरे को भी समझाओगे और आगे चल के आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक आदर्श बनोगे और कुछ अच्छा कर पाओगे. थैंक यू मैम. ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार तालियां हो जाए हमारे अगली कंटेस्टेंट के लिए. क्वेश्चन कविता जी, आप, आपको पता है डेजी, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के लिए सपना लिया था. जो अंग्रेजी में था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. जहां मन में ना डर हो किसी का, जहां उन्नत रहे सर हमेशा, बंदिशों से मुक्त हो जहां का ज्ञान. आप भारत के लिए क्या सपना देखना चाहेंगी? मैं भारत के लिए ये सपना देखना चाहती हूँ, जैसे हम भी बहुत सारे, भारत में बहुत सारे कल्चर्स हैं जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के माने जाते हैं, तो हम अब पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने महान हैं. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू डेजी. हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट के लिए अगला सवाल. माय क्वेश्चन टू यू इज कि तुम ज़्यादा किस उससे सीखती हो, तुम्हारी जीत में या तुम्हारी हार से सीखती हो तुम? थैंक यू फॉर दी क्वेश्चन मैम. अकॉर्डिंग टू मी, मैं हमेशा मेरी हार से सीखती हूँ. और वो कैसे? अगर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाके इसी चीज़ की बात करूँ कि लाइक
यहाँ पे जब भी मैंने ऑडिशन दिया था तो आई एम वेरी वेरी मच नर्वस, और मुझे लगा कि शायद मैं ये ऑडिशन पास नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब मैंने ऑडिशन क्लियर किया तो उसके बाद मैंने खुद की में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई है. नॉट इवन दिस, इससे पहले भी लाइफ की जो छोटी छोटी जितने भी मेरी लाइफ में अप एंड डाउन आई हैं, मैंने मेरी गलतियों से ही सीखा है, मतलब मेरे फेलियर से सीखा है और उसमें इम्प्रूवमेंट की है. ओके, थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां प्लीज हमारी अगली कंटेस्टेंट. माय क्वेश्चन इज टू यू इज, यहां पर आपको किससे डर लग रहा है कि कौन आपकी कंपटीटर है जो जिसे आप हार सकते हैं और क्यों? अभी तो मुझे डेजी से डर लग रहा है. डेजी मुझे लग रहा है शी इज अ स्ट्रांग कंपटीटर, मैं उसे हार सकती हूं. लेकिन क्यों हार सकती हैं? डेजी से क्यों हार सकती हैं? बिकॉज़ शी इज लेडी विद फुल कॉन्फिडेंस एंड शी इज वेरी टैलेंटेड एंड शी इज वेरी इंटेलेक्चुअल, सो आई थिंक सो. थैंक यू डेजी के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू. आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट नंबर 12, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जीत कर क्या बनना चाहती हैं? सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार. जीतने के बाद मैं चाहती हूँ मैं अपने पहले गांव में जाके बता सकूँ कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आई तो मैं भी कुछ बनी हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटे गांव से आई हूँ और मुझे फाइनली सपोर्ट किसी का नहीं था, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. अगर मैं जीत के अगर वहाँ जाती हूँ तो मैं सबके सामने ये साबित करना चाहती हूँ कि नहीं, मैं छोटे गाँव की लड़की इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आके कुछ कर सकती हूँ करके. So ladies and gentlemen, these are from the Mrs. Classic category. I have five finalists and this was the question and answers round for you. I'm sure judges must have given them the points. My question to you is, who is your ideal? Who do you look up to and why? I feel my mother is my ideal because right from my childhood, she gave me lot of support and till date, she's supporting me. Even today, she's taking care of my son and she said, go, go and live your dream. That's what she said. And I'm very grateful to her. And I just want to support my kids too in the same way. Thank you, ma'am. That's beautiful. Thank you. Good evening, judges. मेरा आपसे भी एक यही सवाल है कि आप विनर होकर किस एक्ट्रेस को आप अपना आइडियल मानोगे? मैं अपना आइडियल इस टाइम सिर्फ सोनाली बेंद्रे जी को मानती हूँ. बिकॉज जिस तरह उन्होंने सफ़र किया और फाइट किया कैंसर के साथ और इतने हंसते हुए अपनी पिक्चर्स अपलोड की, बिकॉज हम लोग फीमेल्स होते हुए बहुत शाय फील कर जाते हैं जब हम लोगों के हेयर्स नहीं होते, बिकॉज दे आर मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑफ गॉड विच इज़ गिवन टू अस. वी ऑल एडमायर्ड हर एंड शी हैज सेट एन एग्जाम्पल फॉर दी अदर लेडीज हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर कि इट्स ओके, वी आर ब्यूटिफुल इन एवरी स्टेज. इट डजेंट मैटर वी आर गेटिंग आर हेयर्स, वी आर गेटिंग बॉल्ड, इट्स ओके. वी हैव टू फाइट विद कैंसर. इफ देर इज अ डिजीज देर इज अ क्योर ऑफ ऑल्सो, तो डोंट बी पैनिक एंड वी हैव टू फाइट विद द कैंसर. एंड शी हैज सेट अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट. I appreciate to you. It was a very good answer. Thank you, sir. Our next contestant, jury. What would you do if you become the Prime Minister of India? क्या करना चाहेंगे आप अगर आप भारत की प्रधानमंत्री बन जाए तो? A very good evening to all my respected judges. Good evening. And to all the beautiful crowd, ladies and gentlemen. If I would become a Prime Minister of nation India, then I would serve the poor and needy. To be honest, if I become a Prime Minister of India, then I remove all the terrorists and I will work, especially I'll work for the poor and needy and underprivileged lady in the society. Thank you. Hi, good evening. Good evening, ma'am. I just want to know that what is the one thing that you have learned during this pageantry of yours and that has, transformed you? Like you know that was missing and that something is there in you. You know, what is that one thing I want to know? Before I give my answer, to all my respected judges and ladies and gentlemen present here, during this pageant, I learned a lot. That I learned how to mingle with different people, such a situation, and I learned how to overcome and to become friendly and to know their minds, their concept. Thank you. That's all. Thank you. Good evening, judges. Good evening, dear. जीत और हार में कितना फर्क लगेगा? अगर जीत गई तो कैसा लगेगा
और अगर हार गई तो कैसा लगेगा? मैम, जीत गई तो बहुत अच्छा लगेगा और हार गई तो भी एक सीख जरूर मुझे मिल जाएगी कि हाँ, स्ट्रगल करना बहुत हार्ड होता है और जो स्ट्रगल कर लिया वो बहुत आगे तक पहुंच सकता है. गुड गुड, थैंक यू. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज वर आवर कंटेस्टेंट फ्रॉम द मिसेस कैटेगरी. सो वी शैल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड. नंबर 20, इट्स योर टर्न. Would you like to become a boy or are you happy being a girl? Thank you, Jesus. A very good evening to all the lovely people presenting here. Okay, I'll change my question for you. Suppose, who is your favorite actor? Aapka favorite actor kaun hai? सलमान खान. ओके, यहाँ पर एक जज बैठे हैं, वो सलमान खान के छोटे भाई हैं. यू वॉन्ट टू गिव हिम अ मैसेज सो दैट ही कैन पास इट ऑन टू सलमान खान? ओके, नंबर 20, वील पास इट ऑन. थैंक यू सो मच नंबर 20. आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट 23. सिमरन, आज आपने दलजीत जी ने जो कैंसर सेंसिटाइजेशन पे लोगों से अलग अलग उनके विचार और उनके ज्ञान इस बारे में प्रकट करवाया, आपको उसमें से क्या निष्कर्ष मिला? ऐसा लगता है कि कुछ और भी होना चाहिए कैंसर प्रिवेंशन के लिए? जो मैम कर रही है वो बहुत अच्छा है, बट हाँ, हमें और भी करना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए और हम लोगों को भी कैंसर के लिए आगे कुछ काम करना चाहिए. जैसे? कैंसर के जो पेशेंट हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए. ओके, ये तो पेशेंट जो बन चुका है, और उसके लिए क्या कि वो पेशेंट ना बने? जब उसको पहले ही थोड़े से भी सिम्टम्स नज़र आए तो वो जाके डॉक्टर के पास चेकअप करवाए. थैंक यू. वेलकम. You are from the Miss category, right? Yes. Just tell me, what did you learn from the Misses and the Misses Classic in these days that you were with them? What is the one thing you learned from your seniors? Aap apne badon se aapne kya seekha? Thank you for your wonderful question, ma'am. Thank you. From my seniors, I learned that how they care about us, how they care about the junior. So I'm very thankful to them for caring us for those days with me. Very nice. Thank you, ladies. See, you got an applause. So we need to applause to your seniors. Big. Okay, our next shout contestant. Out. Thank you. Aapka favorite actor kaun hai Bollywood mein? Amir Khan. Amir Khan. Let's do something creative, right? Since you love Amir Khan, and here are a lot of Amir Khan fans here, right? कुछ करके दिखाओ. आमिर खान आपके सामने है. ये साला मिर्ची सेठ चंद रुपए की लालच में देश को बेचने चलता हरामजादा. चलिए, थैंक यू. थैंक्स सर. इफ यू बिकम एक्ट्रेस तो आप कौन से हीरो के साथ में काम करना पसंद करेंगी? अक्षय कुमार जी के साथ. He's my favorite hero and he's my role model. मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी मूवीज़ बहुत इंस्पायर्ड होती है और वो हमेशा इंस्पायरिंग मूवी ही बनाते हैं जिससे लोगों को मैसेज मिले. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच. बहुत बरसों से आपने इन्हें देखा है और बहुत बरसों से मैंने भी इन्हें देखा है, और एक तरीके से कहना चाहूँगा कि जब जब इनको स्क्रीन पर देखता हूँ तो इनकी प्रेजेंस इतनी कमाल की है, जब ये स्क्रीन पर आते हैं उसी समय सबसे पहले आपके फेस पे स्माइल आ जाती है, अब तो कुछ धमाका होने वाला है. टाइम काफ़ी शॉर्ट है तो मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ. आप जानते हैं कि शेर व शायरी जो है तुकबंदी होती है, और ऐसे ही दो मुसाफिर आमने सामने बैठे थे, एक लखनऊ के नवाब थे और एक हरियाणा के थे. दोनों बैठे थे, अचानक शेर व शायरी हुई तो जो नवाब थे बोले, हम किबला कहाँ को जा रहे हो, मैं कितने उतरने के लेना है? तो जैसे उनकी ये भाषा है तो बोले, मैं शायर हूँ, अगर आप कहे तो मैं एक शेर अर्ज करूँ. तो लखनऊ के जो नवाब थे उन्होंने कहा, मैं दिल बेच दूँ, मैं जहाँ बेच दूँ,
मैं दिल बेच दूं, मैं जान बेच दूं, मैं तेरे प्यार में सारा जहां बेच दूं। हरियाणा का बोला, वाह भाई वाह, शेर सुना, अब हमारा भी शेर सुन। मैं भैंस बेच दूं, मैं गाय बेच दूं, मैं भैंस बेच दूं, मैं गाय बेच दूं, मैं थारे प्यार में पप्पू की माँ बेच दूं। भांगड़ा डांस क्लासिकल, उसके बाद ब्रेक डांस जो लखनऊ में कैसे तब्दील हुआ है, ये एक छोटा सा बीट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। भांगड़ा डांस जो कि समझ में आता है, और बल्ले 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 बम 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 बम, कंधा ऊपर नीचे हो रहा, मालूम पड़ रहा है कि भांगड़ा हो रहा है। क्लासिकल वो भी समझ में आता है, ये ने पूने द तुरी नंदे युन्नी ने टुने तुरी नंदे तुरु तिरी नंदा पुन्ने तुरी नंदे तुरी नंदे। घुंघरू बजते हैं, मालूम पड़ता है कि क्लासिकल चल रहा है। आप देखिए जो ब्रेक डांस सजाने कैसे तब्दील होता है, so ladies and gentlemen, the moment has arrived. I would like to invite on stage all the 24 contestants. Please join us on stage. There'll be one award for the second runner-up, there'll be one award for the first runner-up and the winner. So all three categories, we are going to have three winners each. Classic category, I will invite Kavita ji on the stage, Mr. Rakesh Mistry on the stage. So ladies and gentlemen, I'm sure aap sabhi ki heartbeat badh rahi hogi is waqt. Aur Mrs. Classic category mein, main second runner-up ka naam announce karne ja raha hoon. So ladies and gentlemen, in the Mrs. Classic category, the second runner-up. Hey Miss Manisha! First runner-up is Daisy. It's time now to announce the winner in this category, and the winner is Garima. This is interesting. The second runner-up has a tie. Manjula and Lalita, second runner-up for the Mrs. category. First runner-up, and the name is Victoria. Okay, time to announce the winner. And the winner is Salone! Woo! The name is Jessica! Simran.
last year winners. The moment is here. I have the name too. And the Iowa Miss India 2019. Ladies and gentlemen, the name is Megha! Megha! The winners for tonight, Iowa Miss, Mrs. and Mrs. Classic 2019, Renaissance. Victoria! एक पेजेंट पे एक न्यू कमर के 4000 वोट्स होना इज अ बिग बिग डील. वोट्स मिलना बहुत मुश्किल है.